चैनल। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 स्मॉल बिजनेस आइडियाज विच यू कैन स्टार्ट विथ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई है, तो मैं वन बाय वन करके मैं आपको बताऊँगी। अभी के टाइम में बहुत से लोग स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपको भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन आपको नहीं पता कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको आपके पसंद की कोई स्मॉल बिजनेस आइडिया आपको ज़रूर मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर 10 स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ को शॉर्टलिस्टेड किया है, जो कि बहुत ट्रेंडी है, आई मीन बहुत चल रहे हैं इस वक्त। तो आप इनमें से कोई भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्मॉल बिजनेस है वो है कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम्स। तो आजकल बहुत से कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम्स बहुत से लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो अगर आप क्राफ्टिंग में या फिर स्क्रैप बुकिंग में अच्छे हैं तो आप इस स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्राफ्टिंग के मटेरियल्स लगेंगे स्टार्ट करने के लिए, तो आप बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइज गिफ्ट्स बना सकते हैं, जैसे स्क्रैप बुक हो गई, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, और ऐसे बहुत से डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। तो अभी सेकेंड जो बिजनेस आइडिया है वो है हेयर एक्सेसरीज। अभी हेयर एक्सेसरीज में आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो आपको पता होगा कि स्क्रंचीज करके जो हेयर एक्सेसरीज होती हैं वो बहुत ट्रेंडी है। लोगों ने ऑलरेडी इनका बिजनेस स्टार्ट किया है और बहुत से लोगों का ये बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो आप भी इस बिजनेस को ट्राई दे सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ फैब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक सीविंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक नीडल एंड थ्रेड भी चल जाएगा अगर आपके पास टेलरिंग मशीन नहीं है तो। अगर आपको स्क्रंचीज नहीं बनाना आता तो आप डिफरेंट हेयर एक्सेसरीज भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे हेयर बैंड हो गया, हेयर बो हो गए, आजकल हेयर बो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, या फिर आप क्लिप्स जो होती हैं वो बना सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया इज ज्वेलरी मेकिंग। इस बिजनेस में आप ज्वेलरी बना सकते हैं, हैंडमेड ज्वेलरीज आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बेसिक सा जो ज्वेलरी मेकिंग का जो मटेरियल होता है वो आपको अराउंड 1000 के अंडर आ जाएगा, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल बिजनेस आइडिया है स्टार्ट करने के लिए। तो आप ट्रेंडी ट्रेंडी ज्वेलरी पीसेस बनाना और सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बिजनेस आइडिया, वो है स्केचेस। आप पर्सनलाइज्ड स्केचेस सेल कर सकते हैं। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं या फिर आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी है तो आप स्केचेस सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग गिफ्ट में स्केचेस को देना बहुत पसंद करते हैं, तो अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आप इसको एज अ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों के स्केचेस बनाकर उनको बेच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज सिमिलर टू ड्राइंग, वो है इल्यूस्ट्रेशन। अगर आप डिजिटल पेंटिंग्स में बनाना बहुत पसंद करते हैं तो ये जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप डिजिटल पेंटिंग्स बनाकर उन्हें सेल कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट बिजनेस ऑप्शन, अगर आपको बेक करना पसंद है और आप घर पर बहुत अच्छी केक और चॉकलेट्स बनाते हैं तो आप उसको एज अ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत से होम बेस्ड बेकर्स ने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पर, तो आप भी ऐसे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने हैंडमेड केक्स और चॉकलेट्स बेच सकते हैं। नेक्स्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया ऑप्शन इज टेलरिंग। अगर आपको टेलरिंग आती है, आपके पास टेलरिंग मशीन है, तो आप एक टेलरिंग का ऑनलाइन शॉप खोल सकते हैं। आप बेबीज के फ्रॉक सेल कर सकते हैं या फिर टॉप्स सेल कर सकते हैं, या आप टेलरिंग के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको आती हो वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेल आर्ट। अगर आप नेल आर्ट करते हैं एंड आप बहुत अच्छे हैं उसमें, तो आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसका। तो नेल आर्ट जो है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्मॉल बिजनेस है, तो आप उसको ट्राई दे सकते हैं। नेक्स्ट इज टू सेल योर पेंटिंग्स। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आपको अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाना आता है, तो आप पेंटिंग्स बनाकर उन्हें सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट आवर लास्ट ऑप्शन, फॉर हेड डेकोर। आपको डेकोर बनाना पसंद है, आप अगर DIYs बहुत अच्छा करते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट डेकोर पीसेस बनाना अच्छा लगता है, तो आप अपना डेकोर सेल कर सकते हैं। जैसे आप अगर DIY वॉल हैंगिंग बनाते हैं तो वो सेल कर सकते हैं, या फिर आप
मैक्रमे से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाते हैं तो आप वो सेल कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई होप कि आपको आपके स्मॉल बिजनेस के लिए कोई आइडिया ज़रूर मिल गई होगी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप एक न्यू स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़।